वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके साथ ये क्रिस्पी मसाला फ्राइड अरवी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और ये बहुत जल्दी से और बहुत कम मसालों में फटाफट से बन जाता है। चलिए इनको फटाफट से बना लेते हैं। मसाला अरवी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट लगने वाले हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने ये 250 ग्राम अरवी लिया है, इसको मैंने बॉईल कर लिया है। और जो मसाले लगने वाले हैं वो भी देख लेते हैं। मसालों में मैंने यहाँ पे ये आधा चम्मच लाल मिर्च मिल लिया है, इसमें कश्मीरी लाल मिर्च और तीखी वाली लाल मिर्च है, 1/4 चम्मच हल्दी है, 1/4 चम्मच हींग है, 1/4 चम्मच अजवाइन है, आधा चम्मच धनिया पाउडर है, 1/4 चम्मच अमचूर है और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये सारे मसाले मैंने 250 ग्राम अरवी के लिए लिया है। आपकी अरवी जितनी हो उस हिसाब से मसालों का प्रपोर्शन कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले अरवी को छील लेना है, इसके छिलके निकाल लेने हैं। छिलके निकालने के बाद इसको ऐसे हाथ में रख के इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है। अरवी का छिलका निकालने के बाद मैंने उसको हथेलियों के बीच में प्रेस करके चपटा कर लिया है। कढ़ाई में मैंने यहाँ पे 1 चम्मच तेल लिया है। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें ये मैं अजवाइन डाल दूंगी। अजवाइन को डालने से पहले मैंने थोड़ा सा उसको हाथ से क्रश कर लिया था। गैस एकदम स्लो रखना है जिससे कि हमारे मसाले ना जले। अब इसमें ये हींग ऐड कर देंगे। हींग ऐड करने के बाद इसमें धनिया, हल्दी और ये लाल मिर्च में थोड़ा पानी भी ऐड कर देंगे जिससे कि मसाले जले नहीं। इसमें ये नमक ऐड कर देंगे। मसाले थोड़े से पक गए हैं, अब इसमें ये अरवी के पीसेस को ऐड कर देंगे। आंच को स्लो ही रखना है, अगर तेज रखेंगे तो ये अरवी और मसाले जो है वो जल जाएंगे। मसालों में लपेट के अरवी को गोल्डन फ्राई कर लेना है। आंच को मीडियम और स्लो करते हुए इसको अच्छे से क्रिस्प कर लेना है। पहले इनको एक साइड से क्रिस्पी होने देंगे, फिर इसको पलट लेंगे। देखिए अरवी जो है मसालों के साथ लिपट गए हैं, अब इनको उलट पुलट के गोल्डन फ्राई कर लेना है। इस स्टेज पे जो ये हमारे पास अमचूर का पाउडर है इसको भी अच्छे से स्प्रिंकल कर देंगे जिससे कि ये भी अच्छे से लिपट जाए। ये अरवी की सब्जी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। चेक कर लेते हैं नीचे क्रिस्पी हुए कि नहीं। ये देखिए अच्छी सी क्रिस्प सी कोटिंग आ रही है। अब इनको पलट देंगे और दूसरे साइड से भी वैसे ही उलट पुलट के बिल्कुल क्रिस्पी कर लेना है इनको। फिर ये खाने में बहुत ही चटपटे लगते हैं। ये एज ए स्नैक्स भी इसको खा सकते हैं, ये इतने चटपटे लगते हैं खाने में। इस साइड भी इनको चेक कर लेते हैं। ऊपर तो बिल्कुल क्रिस्प कोटिंग आ गई है, नीचे भी चेक कर लेते हैं। देखिए इधर भी बहुत ही अच्छी सी कुरकुरी सी क्रिस्प कोटिंग आ गई है। अब ये हमारे क्रिस्पी मसाला फ्राइड अरबी तैयार हो गए हैं। अब गैस को ऑफ कर देंगे और इनको सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। ये देखिए कितने टेम्पटिंग से ये बन के तैयार हुए हैं। ये हमारे क्रिस्पी मसाला फ्राइड अरवी सर्व करने के लिए रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। इस रेसिपी को फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।